अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की रेसिपी में यम्मी टेस्टी फाइव वेरायटी रोल्स रेसिपी को शेयर करेंगे। ये हर एक वेरायटी रोल्स बनाने पर तारीफ मिलेगी, बच्चे याद करके फिर बनाने लगाएंगे, इतने टेस्टी रहेंगे ये हर एक रोल्स। ये टेस्टी वेरायटी रोल्स को बनाने के लिए हमने मैदा लिया है और गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। इन मैदे से बनाने से रोल्स अच्छे लगते हैं बाहर जैसा, और टेस्ट के हिसाब से नमक हमने एक बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है। तेल डालने से रोल्स की रोटी सॉफ्ट रहती है, और तेल को मिला लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालने के हम आटे का डोगो बना लेंगे रोटी का। देखिए हमने बना लिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के हम इसको 15 मिनट तक रेस्ट पे रखते हैं। रेस्ट पे रखने से आटे को सॉफ्ट बनता है और रोटी अच्छी नरम निकलेगी। और आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद हम आटों को काट लेके पेड़े बना लेते हैं। आटे में तेल डाल के भून के और 15 मिनट रेस्ट पे रखने से बहुत सॉफ्ट बन गया है, और पेड़े का साइज़ हमने फुलके के साइज़ पे बना लिया है। और इसे सूखा आटा से हम बेल लेंगे। पूरी रोटी को बेलने के बाद आखिर में कोने में टच दीजिएगा, ऐसा करने से ये कोने पे दल नहीं रहती रोटी, और खाने वक्त रोल्स बहुत अच्छा लगता है। और इसको हमने बेल लिया है, बेलने के बाद हम सेक लेंगे। इसके लिए हमने हाई फ्लेम में पैन को रखे, हीट होने पर हमने चपाती की रोटी को डाल लिया है। इस रोटी को हम तेल लगाते हुए दोनों साइड पे सेक लेते हैं। ये चपाती पूरी तरह से बन गई है, ऐसे ही सारे बना लेना है, और बना के हार्ड बॉक्स में सेव करके इसको रोल्स पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम रोल्स के लिए हमने चिकन लिया है, इस चिकन को हम छोटे पीस में कट कर लेना है, बोनलेस चिकन लेना है। और इसको मसाला लगाने के बोल में डाल लेके, और थोड़ा सा हल्दी आधा चम्मच मसाला, और टेस्ट के हिसाब से नमक, और एक चम्मच चिल्ली सॉस, और इसके अंदर दो चम्मच टमाटर सॉस को डाल लेते हैं। टमाटर सॉस को डाल लेने के बाद हम इसके अंदर एक चम्मच तक अदरक कोथमीर लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। आप अदरक लहसुन पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं इसके बदले, और थोड़ा सा एक पिंच तक हमने ऑरेंज फूड कलर डाला है। इन सारों को मिक्स कर लेके अच्छी तरह मसालों को 15 मिनट रेस्ट पर रख देते हैं। चिकन को रेस्ट पर रखने से चिकन के पीसों को ये ऑब्जर्व कर लेके मसाला टेस्ट लगता है। और हम भूनते वक्त इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लेते हैं। फ्राई करते वक्त गरम मसाला कॉर्नफ्लोर डालने से गरम मसाला का फ्लेवर ऐसा ही रहेगा। इन सारों को मिला लेके अच्छी तरह हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने पैन में तेल रख लिया है। तेल हीट होने के बाद एक एक पीस डालते हुए इन चिकन पीसों को फ्राई कर लेते हैं। हमने हीट को मीडियम फ्लेम में रखे हुए हैं, और ये क्रिस्पी हल्के बने तक थोड़ी देर के बाद इसको हला लेते हुए फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसको नहीं हलाना है, साथ ही हलाने से इसका मसाला झड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद इसको हलाते हुए फ्राई कर लेके हम साइड पे कर लेते हैं क्रिस्पी, और चिकन पकने तक वो सारे बना लिया है। और इसको हम साइड पे रख देंगे, हम सॉलिड बनाएंगे रोल्स के लिए। इसके लिए हम तेल निकाला है, इसी पैन में हम मिर्च प्याज और टमाटर को डाल लेते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से, और आपके रोल्स के क्वांटिटी के हिसाब से डाल लेके इन प्याज टमाटर मिर्च के भून ले सकते हैं। हमने हाई फ्लेम में भून रहे हैं, बस इसको फूल लेना है हाई फ्लेम में थोड़ी देर, इसका क्रंच ही रखना है। और एक दो मिनट भून लीजिए, और ये पूरा सॉलिड रेडी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, हम अंडे का बैटर बनाएंगे। इसके लिए हमने पाव चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है, और थोड़ा सा लाल मसाला इस टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के हम इसके अंदर एक अंडे को फोड़ के डाल लेते हैं। और इन सारों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। और ये अच्छी तरह मिला लेने के बाद
हम रोल्स बनाएंगे, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है रोल्स में और टेस्ट लाता है। अंडे के बैटर को बनाने के बाद हम पैन में फिर से बनाए हुए रोटी के रख लिया है और इस अंडे के बैटर को डाल लेके हम चौड़ा कर लेते हैं। चौड़ा कर लेने के बाद इसके अंदर फिर से हम थोड़ा सा तेल डाल के हल डालेंगे और इधर अदर साइड भी इसके ऊपर तेल डाल के इसको सेक लेते हैं। देखिए ऐसे ही सारे रोल्स के लिए बना लेना है। दोबारा हम दिखा रहे हैं, फिर से हम सेके हुए रोटी रख के इसके ऊपर का अंडा का बैटर डाल के चौड़ा कर लेके इसके ऊपर तेल डाल के दोनों साइड सेक लेना है। ऐसे ही सारे बना लिए हैं हमने। ऐसे बना लेने के बाद हम रोल्स बनाएंगे। रोल्स बनाने के लिए हमने बनाए हुए चिकन के पीसों को रख लिया है और सैलेड को भी, सैलेड को थोड़ा सा बस भून लेना है हाई फ्लेम में। हाई फ्लेम में ही भूनने से क्रंच बने रहेंगे और मज़े आएगा इस रोल्स खाने पे। एक टाइप का रोल्स रेडी हो गया है और दूसरी टाइप का रोल्स के लिए हमने जार में भुने हुए मूंगफली को डाल लेते हैं और थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तक हमने घी को डाल लिया है। घी के बदले बटर को भी डाल सकते हैं और इसको कच्चा बच्चा ब्लेंड कर लेना है। आप देख सकते हैं कच्चा बच्चा हमने ब्लेंड कर लिया है। ऐसा क्रंच क्रंच रखने से रोल्स में टेस्ट आता है। और इसको बनाने के बाद हम दाल वड़ा से रोल्स बनाएंगे। इसके लिए हमने बनाई है चपाती पे इस पीनट का पेस्ट लगा लेते हैं। आपके टेस्ट हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है रोल्स में, मुँह नहीं खुलेगा खाते वक्त, तो उतना मज़ा लगता है। और इसके लगाने के बाद इस मसाला बड़े को हम आधा आधा तोड़ते हुए रख लेते हैं ताकि रोल्स को फोल्ड करते के वक्त तो आसानी से फोल्ड हो सके। और इसके अंदर हम बनाए हुए सैलेड को रख लेते हैं। आपके टेस्ट हिसाब से सैलेड को भी ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है। बच्चे तो ये रोल्स खा के फिदा हो जाएंगे। ज़रूर दीजिए, ताकत भी है रोल्स। और दूसरा टाइप रोल्स बनाते हैं, इसके लिए हमने पैन रख लिया है। पैन में तेल डाल लेके तेल हीट होने के बाद इसके अंदर राया जीरा को डाल लेंगे। राया जीरा चिटकने के बाद थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल लेते हैं और करी पत्ता ज़्यादा उछल रहा है, हमें इसके लिए लीट रखा हुआ है। और इसके अंदर हम प्याज को डाल लेंगे। प्याज को थोड़ा सा भून लेना है नरम होने तक। प्याज नरम होने के बाद ही इसके अंदर उबले हुए मटर को डाल लिया है हमने थोड़े से, और इसके अंदर 2 हरी मिर्च को भी चॉप करके डाल लेना है। इन सारा भून लेते हुए हम इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मसाला भी डाल लेते हैं। इसमें मिर्ची गई हुई है इसलिए हमने थोड़ा सा ही मसाला डाल लिया है और इन सारों को हम भून लेते हैं नरम होने तक। भून लेने के बाद इसके अंदर फ्लेम ऑफ कर दे के 2 आलू को डाल लेंगे। हमने इस आलूओं को उबाल के छिलका काट के रख लिए थे पहले ही और इस आलूओं को डाल लेंगे हम स्मैश कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स कर लेते हुए। और पूरी तरह स्मैश हो गए हैं और ये मसाला आलू का रेडी हो गया है। इसके बाद हम रोल्स को बनाएंगे। रोल्स बनाने के लिए हमने बनाई है रोटी पे 1 चम्मच तक सीजवान सॉस और 1 चम्मच तक मेयोनीज डाल लेते हैं। अब यहाँ पे भी आपके टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। सीजवान सॉस मेयोनीज को डाल के स्प्रेड कर लेते हैं। स्प्रेड करने के बाद पूरी रोटी पर इसके अंदर बनाए हुआ आलू का मसाले को रख लेके, यहाँ पे भी मसाला ज़्यादा कम कर सकते हैं आपके हिसाब से, और इसको हम रोल्स में मोल्ड कर देते हैं। ये भी बहुत मज़े का लगता है, आप ज़रूर खाइए और कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और चौथा रोल हम बनाएंगे। चौथा रोल बनाने के लिए हमने पैन में तेल डाल लेते हैं। तेल हीट होने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा जीरा और
पनीर के पीसों को तल लेते हैं। इस पनीर पीसों को मीडियम हीट पर रख के भून लेना है। ज़्यादा भूनने से टूट जाएंगे। हल्का सा भून लेके इनके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और टेस्ट के हिसाब से नमक को ब्राउन अनियन को डाल लेना है। इन सारों को डाल के टास्क कर लेते हैं थोड़ा सा। टास्क कर लेने के बाद हमारा पनीर मसाला रेडी हो गया है और हम रोल्स बनाएंगे। रोल्स बनाने के लिए रोटी पे टमाटर केचप और मायोनीज़ को डाल लेते हैं। आपके हिसाब से हैं, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और इन दोनों को मिलाकर स्प्रेड कर देंगे सारी रोटी पर। स्प्रेड करने के बाद हम इस पनीर मसाला को रख लेते हुए रोल्स को बनाएंगे। ये भी बहुत मज़े का लगता है। और रोल्स का फोल्डिंग भी हम दिखा रहे हैं। ऐसा फोल्ड करने से ये हाथ को भी नहीं लगेगा मसाला, और ये आसानी से इसे रैप करके कवर में खा सकते हैं। और ये रोल्स को भी 1 से 2 बना के खा सकते हैं, अपने मज़े के लगते हैं। और इसको ऐसा कट करके भी रैप करके बच्चों को देने से बच्चे भी आराम से लेके खा सकते हैं। अरे आलू का रोल्स है और ये पनीर का रोल्स है। इन रोल्स को बच्चों को देने के लिए इस तरह से कट करके पेपर नैपकिन में इसको रैप करके दे सकते हैं। ये आराम से बच्चे खा लेंगे और गंदे भी नहीं होंगे हाथ। और ऐसे ही हमने सारे रोल्स को बनाया है और इन रोल्सों को हम काट के भी दिखाते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इनका सैलेड बहुत कंच क्रंच लगेगा खाते वक्त। तो इन रोल्स के बाद हम खीमा का आखिर में दिखा रहे हैं। और इस तरह से अंडे लगाए हुआ चपाती को रोटी को रख लेके हम इसके अंदर खीमे को लगाएंगे। इस खीमे का वीडियो अपलोड हो गया है, आप देख सकते हैं जाके। आपके टेस्ट के मुताबिक इस खीमे को भी ज़्यादा कम लगा सकते हैं रोटी पे। और इस पे फिर से हम सैलेड रख लेके इस रोल्स को भी फोल्ड कर देते हैं। ऐसे ही हमने सारे रोल्स को बना लिया है। ये भी बहुत मज़े का लगता है। हर रोल्स लाजवाब रहेगा। फिर याद करके बनाएंगे, अपना टेस्ट रहेगा। इन रोल्स बनाइए, खाइए, फिर लाइक कीजिए। और आपको कौन सा रोल, कौन सी टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आएगी, हमें को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।